हेलो दोस्तों, मैं बीएल शर्मा और आप सभी का मेरे नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सामने आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये 4 बेडरूम का सेमी डुप्लेक्स इंडिविजुअल हाउस है। बहुत ही शानदार फ्रंट एलिवेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है और दोनों तरफ अभी प्लॉट है। सेम डिजाइन में दूसरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि यार कुछ अलग से इंडिविजुअल हाउस हो जो सेम डिजाइन में नहीं बने हुए, जैसे 2-3 जो रो हाउस होते हैं ना, उस टाइप से ना हो। तो ये ऐसी ही प्रॉपर्टी है दोस्तों। डायमेंशन की बात करें तो 20x50 का है, 111 वर्ग गज में बना हुआ है। आसपास का एरिया मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अच्छी खासी बसावट है। ये देखिए, चलिए चलते हैं अंदर। और ये यहाँ पे रैंप बना ही दिया जा रहा है। इधर आप देखते हैं तो ये स्पेस बना ही दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ पे अपने लिए ग्रीन एरिया डेवलप कर सके। ये सामने की डिजाइन आपको देखने को मिलती है। आयरन के डबल डोर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और ये स्पेसियस पोर्च एरिया जहाँ पे आपकी एक 4-व्हीलर इजिली पार्क हो सकती है। स्टेयर्स यहाँ पे बाहर से दी गई है ताकि आप चाहे तो फ्यूचर में ऊपर वाला पूरा पोर्शन बना के उसको रेंट आउट भी कर सके। और सामने की तरफ भी आप स्पेस देखते हैं तो ये देखिए, इतना अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। वाटर टैंक का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे होती है अपनी एंट्री। एंट्री पे आपको स्पेसियस हॉल मिल जाता है। दोस्तों, हॉल की साइज की बात करते हैं तो 12.5x12 की साइज में ये बना हुआ है। ये देखिए, इसकी साइड वॉल है, ये इसकी फॉल सीलिंग की डिजाइन है। सामने एलईडी पैनल है वुडन के अंदर। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। जिसके अंदर आपको यहाँ पे भी डोर मिलता है जो बेडरूम में भी अटैच में है। और ये देखिए, ये है फ्रंट साइड में पहले नंबर का बेडरूम। जिसकी साइज की हम बात करते हैं तो ये अप्रोच 10x14 की साइज में है। अच्छा स्पेस है बेडरूम का। ये देखिए इसकी सीलिंग की डिजाइन। और ये जो डोर मैंने अभी आपको वॉशरूम का बताया था, वो फ्रंट साइड में डोर और विंडो। चलिए बढ़ते आगे। और यहाँ पे है मॉड्यूलर किचन 6x8 की साइज में, जिसमें अपर और लोअर दोनों तरफ आपको कैबिनेट दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे लाइट नहीं है और आज मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं जिसकी वजह से भी थोड़ा सा अंधेरा है। और इसके बराबर में है दूसरे नंबर का बेडरूम। ये देखिए, साइज की बात करते हैं तो अप्रोक्स 10x14 की साइज है। यहां पे आपको वार्डरोब दी गई है फुल लेंथ में। ये बेड साइड में विंडो है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के बेडरूम की तरफ जो इसके बराबर में ही है। ये देखिए, इसकी साइज की हम बात करते हैं तो 9x13 का है। ये देखिए, अच्छा स्पेस है। और सामने आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब भी है। और ये बेड साइड में विंडो, डोर और ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस। ये देखिए, अब आपको मैं छत पे लेके चलता हूँ और वहां पर जो बेडरूम और वॉशरूम बना हुआ है वो भी दिखाता हूँ। बट उससे पहले हम आपको यहाँ की लोकेशन बताएं तो ये कालवाड़ रोड पर किशोरपुरा में है। मेन रोड से यहाँ तक की दूरी 500 से 600 मीटर की है। सोसाइटी अप्रूव्ड ये हाउस है दोस्तों। आसपास में सारी फैसिलिटी है, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट। इसके अंदर आपको बैक डेट का पट्टा मिलता है तो लोन भी आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड दोस्तों यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये टाइल्स लगा के दी जा रही है। और ये छत है इसकी,
ये आसपास का जो बेड साइड का एरिया है वो। और दोस्तों इस विला की जो प्राइस है वो है 35 लाख रुपए की, डिमांडेबल नेगोशिएबल, आप आके विजिट कर सकते हैं। ये देखिए वॉशरूम और ये है 4th नंबर का बेडरूम जो 10x16 के साइज में दिया गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्पेस है। ये साइड वॉल है, एसी का पॉइंट आपको सभी बेडरूम में मिल जाता है। यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब है, सामने डोर और विंडो है और ये इसकी बालकोनी है, इसमें भी अच्छा स्पेस है। ये देखिए और ये फ्रंट का व्यू है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।